अलवर में दुष्कर्म के दो मामले सामने आए हैं, जिसमें एक 65 वर्षीय विधवा के साथ दुष्कर्म हुआ तो वहीं एक 3.25 साल की बच्ची से हैवानियत की गई। अलवर के शाहजहांपुर थाने में एक 65 वर्षीय विधवा के साथ उसके बेटे के दोस्त द्वारा दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने महिला का मेडिकल कराकर आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। आरोपी की उम्र 18 साल बताई जा रही है। वहीं भिवाड़ी की एक कॉलोनी में हैवानियत की हद पार करने वाला मामला भी सामने आया है, जहां एक हैवान ने 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं वह अपने मंसूबों में कामयाब भी हो गया था, लेकिन मासूम के चिल्लाने की आवाज पर वहां लोग जमा हो गए। मामला 19 नवंबर का बताया जा रहा है, जहां महिला थाना अंतर्गत एक उत्तर प्रदेश के परिवार अपने बच्चों के साथ रहता है। उसी कॉलोनी में रहने वाला एक अन्य व्यक्ति ने बच्ची को अपने कमरे में ले जाकर उससे छेड़छाड़ शुरू कर दी। जब बच्ची की मां ने बच्ची की रोने की आवाज सुनी तो उसने शोर मचाकर अपनी बच्ची को उसके चंगुल से छुड़वाया। वहीं इस घटना के बाद कॉलोनी मालिक सहित अन्य रसूखदारों ने इस मामले को दबाने का प्रयास भी किया। बच्ची के पिता के मुताबिक इस घटना के बाद उसे पैसों का लालच भी दिया गया, लेकिन बच्ची की तबीयत खराब होने के बाद उसने किसी की नहीं सुनते हुए महिला थाने में मामला दर्ज करवाया है। हमारे साथ ये है कि हमारा 3 साल की बच्ची, उसके साथ हमारे पड़ोस में लड़का रह रहा था, उसने गलत कर दिया तो उसके दर्द हुआ, तो ये सब हमको पता लगा। मैं ड्यूटी से रूम पे गया तो मेरे को पता लगा, तब मैंने थाने जाने की कोशिश किया, तो मेरे को ऐसे कॉलोनी वाले मालिक ने और दुकानदार ने ऐसे समझा दिया कि दवा ववा ले लो, और नहीं जाने दिया मेरे को थाने को। फिर इसके बाद में डॉक्टर इसको दवा ववा दे दिया, फिर मैं उसके बाद 2-3 दिन हो गए तब मैं फिर थाने में गया। घटना कब की है ये? घटना ये हुआ था बृहस्पतिवार 19 तारीख। घटना की जानकारी के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और तुरंत बच्ची का मेडिकल करवाया गया, लेकिन घटना 3 दिन पुरानी होने की वजह से आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर हो चुका है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए हैं।